हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज रात को हमारे यहाँ पर इतनी बादल गरजने के साथ में बहुत ही भयंकर बारिश आई थी, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और फ्रेंड्स, आज का दिन तो बहुत ही बेकार निकला है, क्योंकि सारे जगह पानी पानी हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैं कोई काम से बाहर भी गई थी, मतलब यहाँ पर ही, तो वो काम भी नहीं हुआ अभी तक मेरा भी। तो फ्रेंड्स, मतलब एक हफ्ते से तो फ्रेंड्स ऐसे ही परेशानी चल रही है, कभी इधर जाना कभी इधर जाना। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से मैंने ना जो बाजरा रखा था, एक बार तो मेरी नन ने भेजा था, तो उसको मैंने पिसा के रोटी बना ली थी बाजरे की। और अभी थोड़े दिन पहले मम्मी के से बाजरा लेकर आई थी, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाजरे को मैंने ना जो मतलब छाजड़े से फटक लिया है, थोड़ा सा फटक के मतलब साफ़ कर लिया, और उसको मैंने ना जो अब इसको पिसवाने के लिए छोड़ूंगी, और इसमें से थोड़ा सा बाजरा निकाल कर और इसकी बाजरे की राबड़ी बनाऊंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, है ना, सर्दी बहुत हो रही है, और सर्दी के अंदर है ना हमारे राजस्थान में बाजरे की राबड़ी है ना बहुत अच्छी लगती है, और बाजरे की रोटी भी शानदार लगती है। तो ज़्यादा तो नहीं है, होगा 5 किलो के आसपास बाजरा, तो 1 किलो इसमें से दलिए के लिए निकाल लूँगी और 4 किलो को पिसवा लूँगी, और इससे मेरा काम भी चल जाएगा। और फ्रेंड्स, इस साल ऐसा पता नहीं था कि 2024 ऐसा निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आज एक हफ्ता निकल चुका है और मौसम बिल्कुल बस बदतर होता जा रहा है। और अभी बाजरा तो साफ़ कर लिया है, दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजरा मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके अंदर से फ्रेंड्स ये ऐसे एक कचरा वचरा होता है, तो ये देखिए एक प्लेट भर निकाल लिया है। और अब दिखाती हूँ आपको हमारा शेगी, हमारा शेगी देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने उड़ा रखा है और उघाड़ देता है ये फ्रेंड्स, तो और इसको सुला रखा है। ये देखिए इसकी सर्दी, इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है फ्रेंड्स, इंसान को लग रही है तो फ्रेंड्स जीव को भी लगती है। तो मेरा प्यारा डॉगी सो रहा है शेगी। फ्रेंड्स, है ना, मैं संभावना सेठ जी का ना जो ब्लॉग देखती हूँ रेगुलर, और वो डॉग उनके पास 4 डॉग है, फिर भी वो ना चलो उनको तो संभालती संभालती है, और बाहर के जो जितने भी होते हैं उनको भी वो केयर करती है। और अभी फ़िलहाल एक डॉग के बारे में बता रहे थे कि बच्चे परेशान करते हैं, तो फ्रेंड्स मेरे से आप सभी से ही निवेदन है कि इस कड़ाके की सर्दी में अगर आपको कहीं पे भी है ना ऐसे डॉग दिखे जो बेचारे उनका कोई सहारा नहीं है, तो उनको आप ना जो रोटी दीजिए, अगर उनको हो सके तो उनको थोड़ा बहुत तो, अगर कंबल वगैरह आपके पास फालतू तो पड़ा है तो उनको एक तरफ जहाँ उनका बैठने का स्थान है वहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा तो ये शेगी है, तो हम दिन भर ये सोता रहता है हमारा, ये देखिए सो रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए, जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है कि गाय है, कुत्ते हैं, जो भी है फ्रेंड्स, छोटे मोटे जीव जितने भी है, उनको हमेशा है ना जो उनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको भी खाना डालना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी इंसान है, मतलब जीव है ये भी एक तरह से। तो मैं तो यही है कि संभावना सेठ जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कि उनके 4-4 डॉग को तो वो संभालते संभालते हैं, और उनको उन्हें जो खाना होता है वो भी है ना जो उनकी तरफ से खिलवाते हैं, पर वो कभी है ना दिखाते नहीं इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, यही है कि जब भी मेरे पास भी, जब मेरे पास समर्थ होगा, मतलब जब भी मेरे पास इतना बजट होगा, तो मैं भी है ना हो सकेगा ना, तो फ्रेंड्स जितने भी मेरे पास में जितने डॉग होंगे उनको मैं खाना हो सकेगा उतना मैं उनको खिलाने की कोशिश करूँगी। फिलहाल तो फ्रेंड्स मेरा शेगी है, तो इसी को इन्हें जितना हो जाता है इतना खिला देती हूँ। तो अब फ्रेंड्स मैं दूसरा काम मैं करने जा रही हूँ, मेरी नन ने भेजी थी तिल्ली थोड़ी सी, तो तिल्ली को भी साफ़ कर लेते हैं, तो तिल्ली के भी लड्डू बनेंगे। तो मैंने सोचा जाए कि आपके साथ में ब्लॉग ही शेयर किया जाए। अब देखो गार्डन का तो मैं बारिश आ चुकी है, तो बारिश का पानी में नाइट्रोजन तो होती है फ्रेंड्स, पर यह है कि चलो पौधों को मिल रही है, पर ये बिना धूप के पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, और ऐसे ऐसे मौसम में तो फ्रेंड्स पौधों को नुकसान ही होगा। तो टेरेस जो आउटडोर प्लांट है, तो अभी है फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। तिल्ली भी साफ़ कर लेते हैं, तिल्ली का भी थोड़ा बहुत गर्म गर्म चीज़ खाएंगे सर्दी में, तभी हेल्थ तो सही रहेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, तिल्ली मैंने निकाल ली है, और ये 1 किलो तिल्ली तो होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी नन ने लेकर आई थी, और उनके खेतों में होती है तो वो बेच देते हैं मुझे। अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है, ये होता है इसे हमारे तरफ तो इसे छाजड़ा बोलते हैं राजस्थान में। तो ये देख लीजिए, अब इसको मैं फटकूंगी, तो फ्रेंड्स सूट करने के लिए फिलहाल। शेगी शेगी क्या हुआ, शेगी की आंखें चमक रही है।
शेगी नॉटी बॉय, सो जाओ सो जा सो जा। नींद आ रही है, नींद आ रही, नींद आ रही, सो जा। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट देख लीजिए, सब मस्ती में मस्त है यहाँ। वो अब पानी वानी का टेंशन नहीं है इनको। और ये देख लीजिए, ये देखिए, और ये देखिए, सेगी को नींद के झटके आ रहे हैं, सो जा सेगी। तो देख लीजिए, अब फिलहाल करते हैं इस तिल्ली को साफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको मैं साफ करी तिल्ली को, देख लीजिए। और बहुत सारा है ना, इसमें कचरा निकला है, तो ये देखिए धीरे धीरे ऐसे करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बाजरा भी साफ हो चुका है, तिल्ली भी साफ हो चुकी है, और ये जो छाजड़ होता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है। तो आपको दिखाते हैं, इधर तो बाजरा है और इधर ये तिल्ली बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं तिल्ली के लड्डू की रेसिपी आपके साथ में है ना, जो शेयर करी थी गई साल। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये इतनी है जितनी कि मैं लड्डू बनाने के लिए काम में लूंगी इसको। और फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है, और ये सर्दी ने तो फ्रेंड्स ऐसा हाल है कि जो छाने होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी है ना हमारे यहाँ पर 1-3 रुपये का मिलता है, इतना महंगा हो चुका है। और मेरे ससुराल में तो फ्रेंड्स है ना फ्री में मिल जाते हैं काफ़ी सारे। और गांव जाने की मैं बहुत सोच रही हूँ कि कब मौसम साफ हो और मैं कभी मैं ससुराल जाऊँ मेरे गांव में, मतलब अब क्या करूँ फ्रेंड्स, ये मौसम की वजह से मैं बेबस हो रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा मौसम होता है ना तो फ्रेंड्स दिमाग भी काम नहीं करता, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने जो इनको साफ़ कर लिया है और इनको पिसवाने के लिए डालूंगी। जब हमारे ड्यूटी से आएंगे तब वो डालने जाएंगे, फिर पिसवा के लेके आएंगे, और फिर बाजरे की रोटी बनेगी और बाजरे की राबड़ी भी बनाने का विचार है। पर मेरी मिक्सी हो रही है ख़राब, तो फ्रेंड्स देखे कहीं जुगाड़, अगर चक्की वाला पीस देगा दलिया तो पिसवा लेंगे, क्योंकि ये बाजरा बहुत कम लोग खाते हैं कोटा के अंदर। तो क्या है कि वो कहते हैं कि थोड़ा लास्ट में पीसेंगे इसको, थोड़ा वो भी ऐसे करते हैं कि भाई कम है तो थोड़ा इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल है ना जो टेरेस पर चलेंगे, टेरेस पर भी आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कि टेरेस का हाल क्या है। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं बाजरे को भर लेती हूँ फटाफट से जब चलेंगे, क्योंकि इसको पिसवाने के लिए डालना है मुझे। अशोक गहलोत जी का थैला मिला हुआ है, ये काम में आएगा, इसी में भरती हूँ अभी इसको। और अब जा रही हूँ मैं टेरेस पे। और फ्रेंड्स, 5:20 हुई है अभी, और दिन का पता ही नहीं चल रहा क्या दिन हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। तो चलिए, और फ्रेंड्स कल मैंने है ना जो आपको बताया था कि किचन वेस्ट जो कचरा निकल रहा, कचरा मतलब ये है कि कचरा निकल रहा है, लहसुन प्याज आलू के छिलके जितने भी वेजिटेबल के छिलके हैं फ्रेंड्स, उनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सबको खाद बनाने में यूज लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर से थैली भर चुकी है, तो इनको ले चलते टेरेस पर रख देंगे। और बारिश तो फ्रेंड्स अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश से फ्रेंड्स ठंड बढ़ जाएगी और नुकसान है। ये फ्रेंड्स, ये सब्जी के छिलकों की थैली है, तो ले चलते हैं इसको। ये देखिए सारे छिलकों को ले ऊपर चलते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, छत पे आ गए हैं कचरे की थैलियां लेकर, और इनको रखेंगे उधर। और देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने की तो वैसे आवश्यकता थी नहीं, चलो कोई बात नहीं, पानी डल गया है तो पौधों पे थोड़ी सी रौनक भी आई है। थोड़ा दिखा देते हैं आपको, इसमें से कल धनिया हार्वेस्ट कर लिया था, और ये देखिए मेरे टमाटर के पौधे, इनमें जान आ चुकी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये लौकी में मेल और फीमेल फ्लावर आने की वो हो रही है, क्या छोटी छोटी है, क्या ग्रोथ हो रही है कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। धूप बिगड़ फ्रेंड्स पौधों की हालत सही नहीं लग रही मुझे तो। ये देखिए, अगर धूप मिलती है ना फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती। और ये देखिए सरसों का, और ये देखिए टमाटर फ्लावरिंग पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये लौकी की बेल है, ये टमाटर है, सपोर्ट लगा रखा है मैंने, देख लीजिए इसके। और ये इधर देखिए सेम की फलियाँ हैं, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सी है, इनको क्या हार्वेस्ट करें, अभी थोड़ी बड़ी भी नहीं हो रही है। तो ये देख लीजिए हाल कुछ ऐसा हो रहा है गार्डन का, टमाटर थोड़ा सा ये देखिए बड़ा हो चुका है, और बैंगन वैंगन तो कुछ भी नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाले गुलाब के फूल का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, और ये कब खिलेगा फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा। और फ्रेंड्स, अगर धूप खिलती ना तो ये अब तक तो खिल ही जाता। तो देखिए 1, 2, और ये देखिए 3, 4 और 5 कलियाँ तो मुझे दिख रही है। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, ये देखिए अभी सर्दी में सरसों की खल का खाद डल ही रहा है, तो ये देख लीजिए। और ये देखिए गुड़ेल का है, तो फ्रेंड्स इसको ले चलेंगे बालाजी के चढ़ा देंगे आज। ये देखिए, ये देखिए,
और इधर देखिए बेलपत्र। और फ्रेंड्स शावर देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इनमें अच्छे से आ चुकी है, पानी से मेरे पौधे धुल चुके हैं क्योंकि फ्रेंड्स धूल मिट्टी काफ़ी दिनों से हो रही थी और मैं सोच रही थी कि इन पे शावर दूँ, पर चलो कोई बात नहीं, कुदरत का पानी जो डला है उसमें नाइट्रोजन होता है तो काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए मेरी शमिका धीरे धीरे से फ्रेंड्स इसके अंदर जान आती जा रही है, ये देख लीजिए, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स चूल्हा जला लिया है और शेगी को हमने दूध भी रख दिया है और बिस्किट भी रख दिया, पर पता नहीं आज उसके जाने क्या हो रहा है, खा ही नहीं रहा। दिखाते शिवानी जाके, शेगी कुछ भी नहीं खा रहा है। देखो गाइस आप, मैंने इसको पुए भी डाले, पूड़ी भी डाली, बिस्किट भी खाया और कुछ भी नहीं खा रहा है। देखो आप, लग रहा है इसकी तबीयत खराब है। शेगी खा लेना, बिस्किट भी रख दिया, दूध भी रख दिया, क्या हुआ? फ्रेंड्स चूल्हे पे ना आज बन रहे हैं पुए, हमारे राजस्थान में पुए बोलते हैं और इनको गुलगुले भी बोलते हैं, पर हम तो पुए ही बोलते हैं। तो देख लीजिए, और ये देखिए सिक रहे हैं धीमी आंच पे। और इधर देखिए हमारे श्रीमान जी खा रहे हैं पुए, और शेगी को आज पता नहीं क्या हो गया, वो खा ही नहीं रहा शेगी। और फ्रेंड्स उसको उड़ाया था, उसने हटा दिया है अभी। और देखिए फिर सर खाना खा लिया है और चूल्हे में आग जल रही है अभी फिलहाल भी, और ताप रहे है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कितनी अच्छी आग लग रही है। और शेगी है ना, शेगी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, उसका खाना ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है देख लीजिए, और ये उड़ भी नहीं रहा है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं रखती हूँ मैं, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया है और ताप रहे अभी तो, और यहाँ भी आग जल रही है अभी, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।